आप सभी बच्चे को आज का क्लास वन पार्ट वन का सबसे पहला चैप्टर है हे प्रभु हमको राह दिखाओ। अब इसमें ये जो कविता है इसमें हमको देखना है कि ये इसमें कवि जी क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हंसता हुआ चांद ही सुंदर और सुंदर मुस्काते तारे नील गगन में सूरज सुंदर बगिया भी सुमन प्यारे। तो इसमें कवि जी कर रहे हैं ये जो चांद है हंसता हुआ क्या प्यारा मनमोहक इतना सुंदर मनमोहक लगता है कि इसमें प्राकृतिक ने क्या चीज बनाया है। नील गगन में सूरज सुंदर बगिया भी सुमन प्यारे, आकाश जो नीला है उसमें सूरज बहुत ही अनोखा लगता है। बगिया भी सुमन प्यारे, इसमें जो फुलवाड़ी है इसके भी जो पौधे प्यारे प्यारे कोई लाल है कोई गुलाबी है इसे हम देखते हैं बहुत ही मनमोहक लगता है। तो इसमें कवि जी और आगे कहते हैं रंग बिरंगे पंखों वाले तितली है कितनी प्यारे, मीठे बोल सुनाने वाले कोयल है कितनी न्यारी। तो रंग बिरंगे तितली के पंख है, तितली बहुत ही प्यारी लगती है। तो कोई लाल है कोई नीली है कोई पीली है ये देखकर बहुत ही सुंदर लगता है मन को। मीठे बोल सुनाने वाली कोयल है कितनी न्यारी, अब जो कोयल की आवाज़ इतनी सुंदर आवाज़ है और इस बग फुलवाड़ी में हम जो देखते हैं बहुत ही न्यारी लगती है। इसके बाद है हे प्रभु हमको राह दिखाओ, हे प्रभु हमको राह दिखाइए और हम भी सुंदर बन जाए, सारा जग सुंदर हो जाए, कुछ ऐसा कर दिखलाए, हमको ऐसा बनाइए कि हम भी सुंदर हो जाएं और सारे संसार को भी सुंदर बनाएं, कुछ ऐसा करें कि लोग हम रहें तो भी नाम लें और नहीं रहें तो भी नाम लें। तो इसमें कवि का कहना है बार बार कि प्राकृतिक चीज़ों को देखकर चांद सूरज नीला आसमान में जो सुंदर सूरज है, बगिया के बीच जो फूल है, रंग बिरंगे पंख है उसमें कितनी ही सुंदर लगती है, कोयल की आवाज़ बहुत ही मीठी लगती है। तो वैसा कुछ हमें भी ऐसा राह दिखाएं कि हम ऐसा कर सकें और इस तरह से हमको अच्छा सा रास्ता दिखाएं। वो बार बार प्रभु से कह रहा है कि हमको राह दिखाइए। और इस प्रकार से है बच्चों इस कविता को आप याद कर लेंगे और इसका जो शब्दार्थ हम पार्ट टू वन का भेजे हुए हैं उस पर आप सारा याद कर लीजिएगा। उसके बाद संक्षेप में है, संक्षेप में देखना है कि शब्दार्थ में है नील मीन्स होता है नीला, न्यारी मीन्स अनोखी, गगन मीन्स आकाश, सुमन मीन्स फूल, जग मीन्स संसार। तो हंसता हुआ चांद है सुंदर, सुंदर मुस्काते तारे, नील गगन तो इसका नीला आसमान है, बगिया मीन्स होता है फुलवाड़ी बगीचा, मीन्स सुमन प्यारे, सुमन मीन्स पुष्प होता है फूल जो हम रंग बिरंगे देखते हैं, रंग बिरंगे पंखों वाली तितली है कितनी प्यारी, मीठे बोल सुनाने वाली कोयल है कितनी न्यारी, हे प्रभु हमको राह दिखाओ, जग भी संसार होता है। और यही कवि का जो है कहने के लिए कि हमको अच्छी सी रास्ता दिखाएं और बच्चों आप भी अच्छे रास्ते पर चलें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम भी अच्छे रास्ते चलें। थैंक यू।